और गाड़ी के अंदर कंप्लेन ऐसा है, इसका अंदर लो पिकअप है, गाड़ी बराबर पिकअप नहीं बना रहा है, एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, इसलिए गाड़ी में पिकअप नहीं है। तो उसके अंदर हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत बेंच 4023 के बारे में। इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा है, एक सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली इसका इंजेक्टर वगैरह बना हुआ है और गाड़ी में इन्होंने फिट किया और एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है उसको हम स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर से देखेंगे कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है और उसको कैसे ठीक कर मैंने किया है और फॉल्ट को कैसे पकड़ा है मैंने, और इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। लैपटॉप को हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर चेक करते हैं इसका कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है और कौन सा सिलेंडर कितना काम कर रहा है, इसका पूरा हम इसके अंदर चेक करेंगे। इसके अंदर कोई भी एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर दो रीज़न हो सकता है, या फिर आपका इंजेक्टर, आपका जो नोजल है आपका, वो आपको बराबर ना हो, बंद हो, या फिर आपका जो इसके अंदर पंप है, यूनिट पंप लगा रहता है, हर सिलेंडर के लिए अपना सेपरेट पंप लगा हुआ है, 6 सिलेंडर 6 पंप लगा हुआ है, 6 नोजल लगा हुआ है, तो नोजल भी ख़राब हो सकता है या आपका पंप भी ख़राब हो सकता है। तो क्या चीज़ ख़राब है इसके अंदर हम चेक करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और इसका पंप भी खोल के मैंने आपको बताया है इसके अंदर, और नोजल को कैसे चेंज करना है, इंटर चेंज कैसे करना है, वो भी आपको इसके अंदर खोल फिटिंग बताया हुआ है। इसके अंदर अभी कनेक्ट हो चुका है हमारा लैपटॉप, इसके अंदर फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। इसके अंदर दिखा रहा है, देख सकते हैं आप, 5 नंबर सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, मतलब 5 नंबर का एरर आ रहा है इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा था, 6 नंबर मेरा, 6 नंबर कंपनी वाले 6 नंबर को 5 नंबर में डाले, तो 5 नंबर में सेम प्रॉब्लम है, जो नोजल था इसका 6 नंबर वाला था, 6 नंबर से 5 नंबर में डाले इन्होंने, तो उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम 5 नंबर में आ गया, इसका मतलब आपका कन्फर्म हो गया कि नोजल के अंदर प्रॉब्लम है। अभी फिर भी उसको एकदम कन्फर्म करने के लिए हम इसके अंदर एक्चुएशन टेस्ट आता है उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि सिलेंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और सिलेंडर कौन सा कितना काम कर रहा है वो भी हम चेक करेंगे इसके अंदर से। इसके अंदर स्मूथ रनिंग कंट्रोल करेक्शन वैल्यू जो है ये आपका 0.001 के आसपास होना चाहिए आपका। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं 5 नंबर जो है 0.05 है, मतलब मैक्सिमम, मतलब बंद है, टोटल बंद है, तो ये पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर काम करेगा जितना ज़्यादा डिलीवरी आएगी उतना वो नेगेटिव के अंदर आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो 5 नंबर है 0.05%, मतलब मैक्सिमम, मतलब पूरा ही बंद है। सिलेंडर बंद करना हो तो अभी सिलेंडर को हम कट ऑफ करके चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे कि कौन सा सिलेंडर पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिलेंडर कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंदर अभी हम सिलेंडर नंबर 1 को बंद करेंगे, यहाँ से हमने बंद किया तो इंजन का साउंड घूम रहा है, मतलब ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। अभी इसको हम चालू करके 5 नंबर सिलेंडर को हम बंद करके चेक करते हैं। 5 नंबर करो, 5 नंबर बंद, इसको हमने बंद किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इंजन के साउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके एक्चुएशन टेस्ट यही रहता है कि इंजन के साउंड के अंदर अगर फ़र्क पड़ रहा है उसको बंद करने पे, समझो सिलेंडर काम कर रहा है आपका। तो 5 नंबर अभी हमारा काम नहीं कर रहा, तो अभी हम इंजेक्टर 5 नंबर वाला खोलते हैं, नोजल 5 नंबर वाला हम इसको खोल के देखते हैं। यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें बंद किया हुआ, बंद हो गया बराबर।
पहले छह नंबर में सेम कोड आ रहा था, फिर पांच में डाला, पांच में सेम कोड आ रहा है, खाली इंजेक्टर आपने चेंज किया, पांच में डाला है। अच्छा, पंप में दिक्कत होता तो आना चाहिए ना, फिर छह का छह में रहेगा, पंप में रहेगा दो। इंजेक्टर फायर ही नहीं हुआ है, बंद पड़ा है। अगर फायर रहता तो काला हुआ है, काला हुआ रहेगा। इंजेक्टर फायर ही नहीं हुआ है। आप ही के पास गया था सर, फूक मार के चेक करो, इसको चेक करो, फूक मार के काम करके देख रहा है, देखो तो बराबर है। इंजेक्टर जो है इसके अंदर रिटर्न नहीं निकलता है, ठीक है, और इसका कनेक्शन हमने चेक किया, कनेक्शन बराबर है। इसका मतलब जो इंजेक्टर है जिसके अंदर जो भी इंजेक्टर नोजल रहता है, सॉरी, जो नोजल के अंदर रिटर्न नहीं निकलता है वो नोजल लॉक हो जाता है। लॉक हो जाने के बाद क्या होता है, इंजेक्टर को नोजल को नीचे से खोलकर उसको क्लीन करके वापस लगाओ तो वो काम करता है। तो ये इंजेक्टर फिलहाल अभी लॉक हो गया है, ठीक है। तो आगे हम इसका चेक कर लेते हैं, इसका जो पंप है, पंप काम कर रहा है कि नहीं, पंप से डीजल आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रेशर से, तो इसको हम सेल्फ लगा के देख लेते हैं, वहाँ पे हाथ रख के हम चेक कर लेंगे वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से प्रेशर आ रहा है तो उसके अंदर हम दूसरा नोजल लगा के चेक कर लेंगे। अरे बिगा दिया यार, पंप से तो डीजल बराबर आ रहा है। अभी इसके अंदर हम दूसरा नोजल लगा के और इंजन के स्टार्ट करके फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। पुराना वाइसर इसका जो रहता है, लंबा वाइसर रहता है, दूसरा वाला वो अंदर इसका ऑलरेडी पहले से है, इसका जो अभी फिलहाल मैं वाइसर नहीं लगा रहा हूँ, अंदर वाला जो वाइसर वही लग जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा बैठ सकता है? नहीं। है? कौन सा? ये इंजेक्टर टेढ़ा बैठ सकता है, होल से मैच नहीं हो, ऐसा हो सकता है? कौन? जैसे हो सकता है, हम लोग देख के डालते हैं मैच करके। नहीं मतलब जैसे कि ऊपर का जगह लॉक लगाते हैं ना आप, ऐसा नहीं ऊपर का लॉक लगे तो एकदम सेंटर में ही जाए, ऐसा नहीं है? ये तो खींच लेगा ना, ये जो लगा रहे हो आप, अगर लगा तो ऐसा नहीं एकदम बराबर बैठा, ये जो है ना बैठता है उसमें आता है, हाँ, वो सेंटर करने के लिए बराबर वही के।
लेकिन अभी सेंटर पे आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा? देख लेते हैं ना, इधर बिना सेंटर को बैठे लाइट जलाइए, देखिए दिख रहा है। अच्छा यहाँ दिख जाता है पूरा, देखिए वो ठेस ही आया होगा। यहीं बैठने को बैठ जाता है, कहते ना ये बाहर डलवा के साफ करवाता है लोग ना, कोई कोई देखते हैं नया नया मित्र उल्टा भी डाल लेते हैं। वही 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 पता तो नहीं चल रहा, इसमें अंदर तो नहीं दिख रहा है, आप देख लो। हमको दिख गया, दिख रहा है ना एकदम सेंटर में। मेरे हिसाब से पहले ऐसे डायरेक्ट बिठा दो, ऊपर तो वाला टाइट नहीं करने का, पहले ये वाला लगा लो यहाँ कनेक्शन पूरा, फिर उसको टाइट करो तो बराबर सेंटर में आएगा वो। भले इसको थोड़ा ढीला कर दो, फिर तो ऊपर रहेगा तो फिर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर आएगा ही नहीं वो, अभी नीचे आ गया वो बैठे, ऊपर नहीं आएगा इंजेक्टर जब तक खींचोगे नहीं उसको आप। बस खाली इतना रहता, अभी तुम यहाँ से डालोगे ना थोड़ा आगे पीछे रहेगा ना अडेप्टर, उसकी जगह पे बैठ जाएगा, यहाँ से टाइट करोगे वो थोड़ा आगे पीछे होके बराबर आ जाएगा। टाइट कर दो इसको, पहले थोड़ा टाइट करो, रुको इसको पहले खाली फेस करो उसका खाली। इसको फेस कर दिया अभी, मतलब उसकी जगह बैठ गया, भले ऊपर टाइट कर दो अभी। मैं पहले खाई एक कवर खाई लगा के चालू करते एक बार, ऑयल तो उड़ेगा नहीं ना ज्यादा, नहीं ऐसे ही चालू कर दो, दिक्कत नहीं। कहाँ दस जाएगा, एयर निकालने की जरूरत पड़ता है, फिट पंप मारने पे यहाँ पे डीजल आना चाहिए सर। नीचे भी टाइट कर दी, चालू करो, चालू करो, चालू करो, अभी तो भिगा दिया ऐसे ही। चलो तेरे पने चलो, मतलब जो पहले 6 नंबर में था उसको 5 में डाला, 5 का भी स्टोर है, तो स्टोर में उठाए तो वो तो दिक्कत नहीं है, ग्रेंज में नहीं आना चाहिए बराबर, ग्रेंज में से आया था स्टोर में ठीक है, इसमें कितनी स्टोर में बराबर।
अभी एक्टिवेशन में जाओ तो एक्टिवेशन टेस्ट में इसके अंदर देखो मैंने अपने पास से दूसरा नोजल लेके आया था, वो नोजल लगा दिया 5 नंबर में, फिर भी वो बराबर काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो वैल्यू है 002 आ रही है, जो कि इसको 001 के आसपास ही आना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो इसका गाड़ी का पुराना नोज़ल है उसको मैं क्लीन करके उसको फ्री करता हूँ। फ्री करने के बाद उसको मैं गाड़ी के अंदर लगा के फिर आपको इसका वैल्यू मैं चेक कराता हूँ। अभी इसके अंदर हमने नोज़ल इसका पुराना वाला लगा दिया है, लैपटॉप दूसरा है इसका हमारा वाला दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है। अब इसके अंदर वैल्यू आप सब देख सकते हैं, सब 001 के आसपास ही है। इसका मतलब आपका जो नोज़ल है वो आपका बराबर सब काम कर रहा है, सब 6 का 6 सिलेंडर आपका एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। अगर वैल्यू आगे पीछे है तो उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नोज़ल आपका बराबर काम नहीं कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं ट्राई पे। अभी इंजन का साउंड भी बराबर हो गया ना, चलाना है ना आपको पुलिया तो चढ़ाएंगे फिर नहीं, आपको देखना है तो पुलिया लिए चढ़ा के देख लो, नहीं एक पुलिया चढ़ा के देख लो, चौपड़वा से घूम जाना ना, चौपड़वा से घूम जाना। वैसे 15 पे आरपीएम चलता है कि नहीं चलता है, कितने में चलता है 15 पे ना? हाँ 15 से नीचे रहेगा तो मौसम कम बनेगा।